लेकिन जो अय्याश लोग, ये जो बड़े बड़े खानदान जिन्होंने कश्मीर को चलाया है, इनकी दौलत की कोई सीमा नहीं है इनके। इनका एक घर यहाँ है, एक बंगला दिल्ली में है, एक बंगला दुबई में है, एक बंगला लंदन में है, और दुनिया की सब जगह इनके बंगले हैं, सब जगह इनके इन्वेस्टमेंट हैं। कोई होटल है बड़ा जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का, उसके बारे में पता करते हैं तो फला नेता का इसमें हिस्सा है, किसी दूसरी बिल्डिंग में पता करते हैं तो इस नेता का इसमें हिस्सा है, सब में हिस्सेदारी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इसी बयान ने राजनीति की गर्माहट में चिंगारी का काम किया और इसी चिंगारी को फूंक उमर अब्दुल्ला ने मार दी। सत्यपाल मलिक ने करगिल में कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कहा था, मेरा तो बस नहीं चल, ये लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओ को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं, ये क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी, इनमें से भी कोई मारा आपने अभी? ये फिजूल ने अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में विरोध की लहर उठ गई और उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल के खिलाफ कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी ट्वीट में लिखा, इस ट्वीट को सहेज लें। आज के बाद जम्मू कश्मीर में मारे गए किसी भी मुख्यधारा के नेता या सेवारत सेवानिवृत्त नौकरशाह की अगर हत्या होती है तो समझा जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आदेशों पर की गई है। उमर अब्दुल्ला ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर निशाना साधते हुए कहा, ये शख्स जो जाहिर तौर पर एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर काबिज है और वो आतंकवादियों को भ्रष्ट समझे जाने वाले नेताओं की हत्या के लिए कह रहा है, मलिक को दिल्ली में अपनी प्रतिष्ठा की पड़ताल करनी चाहिए। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने अपने बयान पर सफाई दी और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पहले तो ये कहा कि उन्हें एक संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। मैं इस बात को मानता हूं कि एज ए गवर्नर मुझे इस बात का अफसोस है, बल्कि कि एज ए गवर्नर मुझे अवॉइड करना चाहिए था ये बात कहने के, लेकिन मैं गवर्नर अगर नहीं हूं तो यही बात कहूं, चूंकि कश्मीर के दुर्भाग्य और दुर्गति के लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने इतनी लूट मचाई है, इतनी लूट मचाई है कि भारत के इतिहास में किसी स्टेट में किसी ने इतनी लूट नहीं मचाई। जहां तक उमर का सवाल है, वो कम उम्र का बच्चा है, मैं उसके लिए अच्छी फीलिंग रखता था, लेकिन ही इज बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल जुवेनाइल, वो हर चीज पे ट्वीट करता है। अच्छा, आप लोग उसका ट्वीट देखते हो, ट्वीट के बाद जो रिएक्शंस हैं लोगों के, जो कमेंट्स होते हैं वो आप देखो, 90% लोग उसको गाली देते हैं। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर बचकाने ट्वीट का भी आरोप लगा दिया। हालांकि फिलहाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।